वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लास 11 पोएट्री अ फोटोग्राफ. अ फोटोग्राफ को लिखा है शर्ली टाउलसन नाम की राइटर ने. यहाँ पे वो बताती हैं कि कैसे उनका जो एक्सपीरियंस है वो चेंज होता है. हाउ शी रिमेंबर्स द मेमोरीज ऑफ अ मदर ऑफ हर सेल्फ बींग विद अ मदर एंड नाउ द मदर इज नो मोर देयर. सो लेट अस सी द लाइन बाय एक्सप्लेनेशन. लाइन 1-4 में पोएट्री कहती हैं द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन्स वेन पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so. तो यहाँ पे बताया गया है कि कार्डबोर्ड जो है वो एक फ्रेम है जिसमें फोटोग्राफ रखी गई है, लगाई गई है, जहां पे दो गर्ल कजन्स हैं जो कि पैडलिंग करने गए थे. पैडलिंग मतलब होता है एक वाटर स्पोर्ट जो वो करने के लिए गए थे, और दोनों के दोनों जो गर्ल कजन्स हैं वो उसकी मदर का हाथ पकड़े हुए थे. तो मदर इज स्टैंडिंग इन द सेंटर एंड द टू गर्ल कजन्स आर साइड बाय साइड. और यहाँ पे जो उसकी मदर है उसकी एज जो है वो 12 के आसपास दिख रही है उस फोटोग्राफ में. लेट अस सी लाइन 5-9. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. वो तीनों की तीनों स्माइल कर रही थी एंड स्टूड स्टिल में एलिट्रेशन यूज किया है. एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस वॉच देयर टेरिबली ट्रांजियंट फीट. यहाँ पे बोला गया है कि अंकल जो थे कोई उनके जो साथ गए थे वो कैमरा पे फोटो खींच रहे थे. मदर का जो फेस है वो काफ़ी स्वीट दिखाया गया है एंड दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, क्योंकि मदर की एज उस समय काफ़ी कम थी. एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज दिस, क्योंकि अगर सब समुद्र के किनारे अब जाते हैं, बीच पे जाते हैं, जो सी हॉलीडे था वो मदर का पास था. कहीं ना कहीं यहाँ पे सारी चीज़ें अभी भी बदली नहीं है. समुद्र वैसा का वैसे ही है. मतलब मैन इज़ मॉर्टल इस लाइन से कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि इंसान आता है और चला जाता है. वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. टेरिबली ट्रांजिएंट फीट में इस लाइन में यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है. ट्रांजिएंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो टेम्प्रेरी हो. तो यहाँ पे बताया गया इंसान के जो फीट हैं वो टेम्प्रेरी हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसान आएगा और चला जाएगा. तो जो पानी है, पानी की लहरें उनके पैरों पे आ रही थी. लेट अस सी लाइन 10-13. सम 20-30 ईयर्स शी लाव्ड एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली शीट से लुक हाउ दे ड्रेसेस फॉर द बीच द सी हॉलीडे. यहाँ पे बोला गया है 20 or 30 years बीत जाने के बाद जब ये माँ बेटी साथ में बैठी थी तो वो उस फोटोग्राफ को देख के हंस रही थी, उस स्नैपशॉट को देख के हंस रही थी और बोलती है कि देखो बेटी और डॉली को कैसे उन लोगों को तैयार किया गया है, हाउ दे वर ड्रेस्ड, क्योंकि अब उनको वो अपीयरेंस काफ़ी फनी लगता है जो उनके पेरेंट्स ने उनको उस समय किया होगा. द सी हॉलीडे वॉज अ पास्ट, माइन इज़ अ लाफ्टर. लाइन 14-15 में वो ये बताती हैं कि जो सी हॉलीडे था वो उनका पास्ट था, उनकी मदर का, और अब जो उनकी लाफ्टर थी वो इनका पास्ट बन चुका है. बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. राय का मतलब होता है मॉकिंग या आयरॉनिकल है कि दोनों के दोनों माँ और बेटी कहीं ना कहीं बहुत एक चीज़ मिस कर रही हैं. द पोएट इज मिसिंग द लाफ्टर ऑफ अ मदर एंड द मदर वॉज मिसिंग द मेमरीज ऑफ हर सेल्फ विद द कजन्स. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो रिलेट करी गई हैं. पहला एक एहसास जिसमें वो अपनी माँ को खो चुकी है, और दूसरा वो रिकॉल कर रही है जब माँ को वो एहसास हो रहा था कि माँ अपना बचपन खो चुकी है. लाइन 16-19. नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस देयर इज नथिंग टू से इट्स साइलेंस साइलेंसेज. तो पोएट यहाँ कहती है कि उस लड़की की एज जितनी थी, 12 साल जो उस पिक्चर में थी, माँ को गए उतने साल हो चुके हैं, और इन सब सर्कमस्टांसिस में कहने के लिए कुछ भी नहीं है. इट्स साइलेंस साइलेंसेज. यहाँ पे उन्होंने पैराडॉक्स का यूज़ किया है, क्योंकि साइलेंस ही साइलेंस सुनाई देता है. यहाँ पे वो कहना चाह रही हैं, तो साइलेंस हैज बीन यूज्ड एज अ वर्ब एज वेल एज अ नाउन. आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आया हो. प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू कीप अस मोटिवेटेड. थैंक यू.